मुंगेर शहर के दिलीप बाबू धर्मशाला के समीप स्थित इंडसइंड बैंक शाखा में वाहन ऋण सेटलमेंट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। सेटलमेंट के बावजूद ग्राहकों के खाते से ईएमआई कट रहा है, तो वही शाखा प्रबंधक ने उन लोगों के साथ सेटलमेंट के नाम पर ठगी कर फरार हो गया है। बैंक में गड़बड़ी की सूचना पर जाँच करने पहुंचे बैंक के मगध क्षेत्र के रीजनल प्रोडक्ट मैनेजर आशुतोष कुमार ने समझा बुझा कर उपभोक्ताओं को शांत कराया और लिखित शिकायत देने को कहा है। बताया जाता कि इंडसइंड मार्केटिंग एंड फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बैंक के नाम से दिलीप बाबू धर्मशाला के समीप पोद्दार रेजिस्टेंट में यह संस्था खोला गया है, जो कि टू व्हीलर के लिए उपभोक्ताओं को फाइनेंस करती है। ऋण सेटलमेंट होने के बावजूद खाते से ईएमआई की राशि कटने से उपभोक्ता परेशान हो गए और मैनेजर को खोजते हुए बैंक पहुंचे, जहाँ पर मैनेजर नहीं मिले, जिसके बाद उपभोक्ताओं एवं बैंक के अन्य स्टाफ ने मैनेजर के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताया, जिसके बाद उपभोक्ताओं को पता चला कि बैंक मैनेजर उनके ऋण सेटलमेंट के नाम पर राशि की ठगी कर फरार हो गया है। जमालपुर बड़ी आशिकपुर निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उसने यहां से अपाची मोटरसाइकिल फाइनेंस कराया था। 5 नवंबर 2021 को ही उसने 86,445 रुपये देकर ऋण का सेटलमेंट कर दिया। उनके ऋण को क्लोज कर एनओसी भी दिया गया, बावजूद उनके खाते से पिछले महीने ईएमआई कट गया। फुलका जमालपुर के आयुष रंजन ने कहा कि 8 माह पहले ही उसने 1,94,000 रुपये मैनेजर दिनेश कुमार को यूपीआई के माध्यम से देकर ऋण का सेटलमेंट कराया था, लेकिन फिर से ईएमआई कटने लगा तो मैनेजर से शिकायत किया, जिसके बाद वह ईएमआई की राशि लौटा देता था। यहां आए तो पता चला कि उसके साथ बैंक में ठगी हो गया है। मैनेजर को फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। यही हाल BMP 9 के जवान किशोर पासवान के साथ हुआ है। ऋण सेटलमेंट के बाद उसे मैनुअल रसीद काट कर दिया गया, जब वाहन का ईएमआई फिर से कटने लगा, जिसके बाद उपभोक्ता बैंक पहुंचकर मैनेजर को खोजा, जिसके बाद पता चला कि मैनेजर ने छठ पूजा की छुट्टी पर गया तो वापस बैंक नहीं आया। उपभोक्ताओं ने कहा कि इस धोखाधड़ी को लेकर थाना में बैंक और बैंक मैनेजर व कर्मी के खिलाफ शिकायत करेंगे। वह इंडसइंड बैंक के रीजनल प्रोडक्ट मैनेजर आशुतोष कुमार ने बताया कि कस्टमर केयर पर लगातार शिकायत मिलने पर 7 दिन पूर्व यहाँ पर वह जाँच करने पहुंचे। प्रथम जांच में बैंक की राशि में कुछ घपला मिला है, जिसे चेन्नई टीम के बड़ी अधिकारी को भेजा जाएगा। साथ ही बता कि 3 दिनों से वह शाखा नहीं आ रहे हैं और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। उन्होंने रिजाइन किया है और अभी वह 3 महीने के नोटिस पीरियड में है। इसको लेकर बैंक के बड़ी अधिकारी को सूचना दे दी गई है। हम लोग पैसा जमा किए थे एक गाड़ी लोन के लिए, तो एक बार जमा कर दिए तो 6 महीना तक तो 2 महीना 1 महीना काटे फिर लौटा दे, 2 महीना काटे फिर लौटा देते थे। अब फिर जब लास्ट 4-5 दिन पहले पैसा कट गया, उसके बाद 12 बजे हमारा पैसा कटा खाता से, तो फिर हम जा करके 2 घंटा बाद फ़ोन किए तो फोने नहीं उठाए, स्विच ऑफ बताने लगा, तो हम छोड़ दिए। फिर हम आए यहाँ ऑफिस आए तो देखे तो है ना है, तो बोलता 3 दिन से गायब है। कितने पैसे आपने किनके अकाउंट पे दिया था? वही करीब 1.5 लाख रुपया। किनके अकाउंट पे दिया? दिनेश कुमार के। किस बैंक में? किस बैंक? ब्रांच मैनेजर। किस बैंक? इंडसइंड बैंक। क्या लिए थे आप? बुलेट लिए थे। तो आपका लोन आपने सेटलमेंट? हाँ, सेटलमेंट करवाए थे। तो उस समय ब्याज मुझे क्या कहे तो बोले कि आइएगा 10 दिन 1 महीना के बाद। फिर हम लोग सोचे थे 2 महीना बाद आएंगे, तो बोले 1 महीना के बाद आइएगा, नोट NOC ले लीजिएगा। इसके अकाउंट में पैसा? वही दिनेश कुमार ब्रांच मैनेजर जो थे। हाँ, अब हमको नहीं पता था, हमको पता नहीं था कि पर्सनल है कि क्या है। हाँ, UPI से हम लोग पैसा दिए। बैंक का कहना है कि वो हम 1-2 महीना भाग गया है, 3 महीना के बाद सेटलमेंट होगा। बैंक मैनेजर भाग गया है? बैंक मैनेजर भाग गया है। क्या नाम हुआ आपका? आयुष रंजन। बैंक में आए सर दिनेश प्रसाद, इसका मैनेजर जो था बैंक का, उसको 3 महीना पहले हम 65,000 प्लस 7,000 72,000 रुपया उसके पास जमा किए। उसके बाद जो है पैसा 1 महीना कटा फिर लौटा दिया, फिर 2रा महीना नहीं कटा, बस फिर अब की बार महीना 21 तारीख को फिर कट गया। बस उसके बाद फिर आए यहाँ उसके अकाउंट पे आपने पैसा? दिनेश प्रसाद मैनेजर साहब जो इनका है उसी, उनकी वही बोला कि इस पर डालिए आपका NOC आपको जो है मिल जाएगा 10 दिन में। मिला नहीं, 3 महीना हो गया, बोला आइए ना 10 दिन के बाद, आइए छठ पर्व के बाद। बस
अभी आए तो क्या पता अब फिर कट गया आपका? हाँ फिर कट गया पैसा। इक्कीस तारीख को कट गया, 21 मिनट को। अभी बैंक क्या कहा? बैंक बोला कि मैनेजर भाग गया है, अब कोई चांस नहीं है मिलने का। क्या नाम है आपका? किशोर पासवान। क्या है आप? BMP सिपाही। सर देखिए, हम जो बार बार आप पूछ रहे हैं एक ही सवाल को घुमा फिरा के, तो उसका जवाब एक ही है। कंप्लेन रिटर्न मिला है, जो भी कंप्लेन मिला है उसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे अपने चेन्नई टीम को, जो भी हमारे सीनियर अधिकारी उनको देंगे, और जो भी आदेश मिलेगा उचित कार्रवाई करेंगे। कंप्लेन में क्या मिला? कंप्लेन में वही मिला है कि भैया पैसा इन्होंने दिया है, उसके यहाँ जो ब्रांच मैनेजर थे दिनेश कुमार, उनके पर्सनल लोन अकाउंट में डाला है, पर्सनल अकाउंट में पैसा डाला है, और वो पैसा इनके लोन अकाउंट में नहीं आया। ब्रांच मैनेजर अभी है नहीं, दो दिन से उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। क्या लगता है की आशंका है या? सर अभी तो जो हमको मिला है उस हिसाब से तो हम दो का जानते हैं, आगे क्या होगा वो भगवान जाने, उसी में हम क्या कहें। तो जांच पूरी होगी तो जो भी जांच है जांच कर ही रहे हैं, करेंगे ही, जाँच छोड़ेंगे तो। क्या नाम होता है? मेरा नाम आशुतोष हुआ। क्या है सर? मैं यहाँ रीजनल प्रोडक्ट मैनेजर हूँ।